आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बोनविटा और कॉम्प्लेन का काम करेंगे मूंग, विधायक सचिन बिरला। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना आज देश प्रदेश की महती योजना है। पहले जनता को गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार के बाद अब प्रत्येक बच्चे को पोषण आहार के रूप में फ्री में मूंग मिले, जिससे बच्चे मजबूत बने। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। ये बात बड़वाह विधानसभा के विधायक सचिन बिरला ने बेड़िया सहकारी संस्था में बच्चों को मूंग वितरण कार्यक्रम में कही। विधायक बिरला ने कहा, आज के दौर में बोनविटा कॉम्प्लेन जैसी महंगे आइटम का काम मूंग करेंगे। सुबह भीगे हुए मूंग खाने से बच्चे तंदुरुस्त के साथ मजबूत भी बनेंगे। इसलिए सरकारी स्कूल की कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 10 किलो और 6 से 8 तक के बच्चों को 15 किलो मूंग फ्री में। ये देश के बच्चों के भविष्य के लिए लाभदायक योजना है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, जो हर वर्ग का ध्यान रखते हैं। कार्यक्रम को भाजपा जिला पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बच्चों को बधाई देते हुए कहा, ऐसी योजना भाजपा सरकार ही ला सकती है। इस अवसर पर जिला सहकारी बैंक पूर्व उपाध्यक्ष बलिराम पटेल, सोसाइटी पूर्व अध्यक्ष गुलाबचंद सिगुणिया, नगर अध्यक्ष राजेंद्र नामदेव, महिला मोर्चा मंडल रीना अजय शाह, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष सुरेंद्र पवार, सुरेश सोलंकी, देवराम कर्मा, सिद्धू उपाध्याय, संतोष भालसे, संस्था प्रबंधक देवेंद्र बिरला, शिक्षा विभाग के जयप्रकाश जोशी, संतोष सेन, शिव सिंह मंडलोई, लालता प्रसाद तिवारी, राघोराम बिरला सहित गणमान्य और पालक उपस्थित थे। बेड़िया से राजेंद्र नामदेव की रिपोर्ट। विधायक जी, आज मूंग वितरण का कार्यक्रम था, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? प्रधानमंत्री पोषण आहार के तहत आज कक्षा 1 से 5 तक 10 किलो और कक्षा 6 से 8 तक 15 किलो मूंग वितरण का कार्यक्रम था, जो हमारे बेटे बेटियों को शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से मजबूत करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम सब लोग उनका इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि देश के बच्चों को ताकतवर बनाने का काम वो कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र समृद्ध होगा, ताकतवर होगा। इस भाव के लिए उनको पुनः धन्यवाद।